हाँ जी बच्चों, लास्ट हमने किया था हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। कुछ पूछना है बेटा हार्मोनिक फंक्शन में किसी बच्चे को? पूछना है बच्चे कुछ? ओके, क्या होती है इक्वेशन? मैं मेन मेन कंसेप्ट बता देती हूँ। कर्ली स्क्वेयर 5 बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर 5 बाई कर्ली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन। फिर हमने थ्योरम की थी ये वाली। इस थ्योरम में किसी को कुछ कोई डाउट है? कुछ पूछना है बेटा? ओके, ये क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल 41 नंबर पेज पे था। हो गए वाले? ओके बेटे, मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ, उसमें कोई डाउट है? हो गए सारे? हो गए बेटे? हो गया बेटा सारा इतना? नेक्स्ट है एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल नाम से ही आ रहा है, एक्सपोनेंट जो ई की पावर और की फॉर्म में, वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर जेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई टा वाई इज डिफाइंड बाई की जेड। इसको हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया बेटा। यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम एक्स लेंगे तो देखिए, ई की जेड ई की एक्स प्लस आईटा वाई, इसको अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? ई की एक्स इंटू ई की आईटा वाई। और देखो इसमें ई की एक्स का ई की एक्स, ई की एक्स का ई की एक्स और आईटा वाई, ई की आई थीटा डिमोर्फी थ्योरम सबने की हुई है, उसकी जगह क्या आ गया? कोस वाई प्लस आईटा साइन वाई। क्लियर यहाँ तक? बोलते जाओ बेटे। ओके, शो दैट ई की जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ई की, ये कंप्लीट कॉन्जुगेट है या ओनली जेड कॉन्जुगेट है? प्रूव करेंगे हम। तो ई की जेड किसके इक्वल होता है? अभी अभी पीछे हमने किया है ई की एक्स कोस वाई आयटा साइन वाई। तो इसका कॉन्जुगेट कर देंगे तो जो आयटा वाली टर्म है वो चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। उसके बाद बस ये कम प्रूव हो गया। यहाँ पे यही प्रूव करना था ना हमें, ई की जो जेड कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होता है? ई की जेड का कॉन्जुगेट। बात तो वही आ गई ना? ठीक है, तो ई की जेड ये है और ई की जेड का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाता है? इसके बराबर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटे, शो दैट एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस इज कॉन्स्टेंट। इसने कहा है कि एनालिटिक फंक्शन है विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस, वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वाई। मान लिया हमने एनालिटिक फंक्शन है सच दैट एफ जेड मोड, मॉडुलस की बात की है, वो क्या है? कॉन्स्टेंट। एफ जेड हमने मान लिया यू प्लस आईटा वाई मोड है, तो क्या हो जाएगा बेटा? रियल स्केयर प्लस इमेजनरी स्केयर, ठीक है, और यू स्केयर प्लस वी स्केयर इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट को हमने क्या मान लिया? सीमा। इफ अगर सी को हम 0 मान लें तो यू स्केयर प्लस वी स्केयर किसके इक्वल है? 0 के। ये 0 कब होगा? जब दोनों दोनों 0 होंगे तभी तो 0 होगा। नहीं, दो टर्म का सम 0 होगा तभी तो 0 होगा। ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो क्या है? यू 0 और क्या है? वी 0। तो यू 0 और यू 0 है और वी 0, तो एफ जेड भी किसके इक्वल आ गया? 0 के। ओके, एफ जेड 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये कॉन्स्टेंट हो गया। समझ में आ गया बेटा? अगर सी 0 है तो ये आ गया। अब हम केसेस लेके चलते हैं। अगर मान लिया सी नॉन जीरो तो क्या होगा? सी अगर नॉन जीरो है तो हमने क्या ले लिया? डिफरेंशिएट किया पार्शियली इसको, क्या एक्स के रिस्पेक्ट, तो टू यू कर ली यू बाई कर ली एक्स, टू वी कर ली बी बाई कर ली एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब बेटा टू कॉमन आ गया तो ये बच गया, ठीक है, तो कर यू कर ली बाई, अब इसी में रख लिया हम वाई के रिस्पेक्ट कर लेंगे, सी में रख लिया, ऐसे ही हो जाएगा ना? टू यू कर ली यू बाई कर ली वाई, टू वी कर ली बी बाई कर ली वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या किया बेटा? दोनों दोनों ही 0 के इक्वल है तो दोनों को क्या रख दिया यहाँ पे? वी कर ली यू बाई कर ली एक्स। सबसे पहले बेटा यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 तक करके देखो,
शुरू से लेके कोई डाउट हो पूछो मेरे से, करो बच्चे। हो गए बच्चे? बड़े आगे बेटे। ओके, इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आ जाएगा। फिर इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया यू से, 3 को मल्टीप्लाई किया वी से, और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कर ली यू बाई कर लिया एक्स इज इक्वल टू 0। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या है, किसके इक्वल है, ये कॉन्स्टेंट है, इक्वल है, सी क्या है, नॉन जीरो, ठीक है, तो ये 0 बन गया इधर आगे, यानी कि कर ली बाई कर लिया एक्स के इक्वल आ गया 0 के। सिमिलरली हम कर ली वाई वी बाई कर ली एक्स निकाल सकते हैं बेटे। अब एफ जेड किसके इक्वल है, यू प्लस आइटा वी, तो एफ डैश जेड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कर ली यू बाई कर ली एक्स, आइटा कर ली वी बाई कर ली एक्स, ठीक है, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब इसको हम, ये डिफ्रेंशिएशन है लेकिन हमें एफ जेड को दिखाना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो राइट साइड में कॉन्स्टेंट ऐड होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया? 2 मिनट का टाइम है, सब बच्चे करके देखो, कोई डाउट है पूछो बेटे, करो सब बच्चे।